हाँ हेलो। ऐसा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो है ये अपने जो बहुत चमत्कारी डिसीजंस होते हैं उसके लिए जाना जाता है, ये तुम जानते हो, हम भी जानते हैं। हम स्टूडेंट से यहाँ कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम लोगों की बात सुन लो थोड़ा समय दे करके। तो ये जो यूनिवर्सिटी है इसने बहुत चमत्कारी डिसीजन लिए कुछ समय में, तुम लोगों ने भी देखा, रिगार्डिंग योर एग्जाम्स, रिगार्डिंग योर फ्यूचर। और इनका जो एक डिसीजन है, और एक बार ये बात हमने तुमसे किया है, लेकिन एक बार और क्लियर कर दे तुम लोगों को, क्योंकि कुछ समय बाद तुम लोग भी हो सकता है इसी फेज में आओ जिस फेज में हम लोग हैं, हम मेरे मैं या मेरे जैसे जो गेस्ट फैकल्टीज हैं। इस यूनिवर्सिटी ने ये डिसीजन लिया है जिसको इन्हें नटशेल कहा जाता है कि भैया आप जो है जो गेस्ट फैकल्टीज यहाँ पर आप काम कर रहे थे वो आप लोग निकलिए यहाँ से, झाड़ू मार के आपको निकाला जाए। हम बहुत बड़े बड़े विद्वान लोगों को बुलाएंगे, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट को बुलाएंगे जो विदेश में रह करके बहुत बड़ा साइंस उखाड़ के लाए हैं, उनको बुलाएंगे। डोंट माइंड माई लैंग्वेज, हम लोग बहुत स्ट्रेस में है, हो सकता है कि कभी कभार कुछ उधर उधर हो जाए, इसके बारे में भी हम तुमको एक ज्ञान देंगे किसी वीडियो में, किसी लेक्चर में। तो ये डिसीजन इन्होंने लिया है। हम लोगों का जो इंटरव्यू हुआ था या जो होता है गेस्ट फैकल्टी अपॉइंटमेंट, वो यूजीसी नॉर्म से होता है, यूजीसी का रेगुलेशन से होता है। उसमें वाइस चांसलर नॉमिनी रहते हैं, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स रहते हैं, हेड रहते हैं, डीन रहते हैं। अब देखो कितनी अद्भुत सिचुएशन है कि तुम लोगों को अभी तक, हम तुम लोगों का करियर भी कैसे खतरे में है समझ लो। तुम लोगों को हम लोग जो है पढ़ाए इतना दिन, तो हम लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ, अभी हम लोग एलिजिबल थे, लेकिन जैसे ही परमानेंट सीट की बात आती है इसी यूनिवर्सिटी में पूरे प्रोसेस, इंटरव्यू प्रोसेस को कवर किए करके आया हुआ कैंडिडेट वो डिसक्वालिफाई हो जाता है। हम लोग आज इनकी भाषा में कूड़ा करकट है, क्लियरली ये बात इन्होंने कहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है। हम नाम नहीं लेंगे अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि अभी हम लोग जो है दुश्मनी नहीं मोल सकते तुरंत किसी से, और क्यों बोले। अब समझ लो, अगर हम, अगर मैं, मेरे जैसे जो गेस्ट फैकल्टीज है वो इनएलिजिबल है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, हमने तुम्हारे प्रैक्टिकल कॉपीज पे दस्तखत किए हैं, कई लोगों ने तुम लोगों को प्रोजेक्ट करवाया है एमएससी में, बीएससी थर्ड ईयर को, तो अगर हम इनएलिजिबल हैं, अगर हम कॉम्पिटेंट नहीं है इन दैट सिचुएशन, हमारा साइन किया हुआ प्रैक्टिकल, हमारा साइन किया हुआ कॉपी, किसी गेस्ट फैकल्टी का साइन किया हुआ प्रोजेक्ट, एमएससी का, बीएससी फाइनल का, वो सारा इनएलिजिबल हो जाता है। इसका मतलब तुम्हारा, अगर कल को कोई सवाल उठा दे कि भैया तुम जो है तुम तो बीएससी पास करके आए, तुम्हारे प्रैक्टिकल्स तो चेक किए थे ऐसे कैंडिडेट ने जो कि तुम्हारा यूनिवर्सिटी कहता है वो इनएलिजिबल है, इन दैट केस तुम्हारा जो काम है वो भी नलिफाई हो जाएगा अगर ये बात आगे बढ़ता है तो। दिस इज ए व्हाट यू कॉल इट डेंजर सिग्नल। हम तुमको, स्टूडेंट्स को हम वार्निंग नहीं दे रहे, वार्निंग एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहे हैं, वार्निंग एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहे हैं। अगर आज हम लोग इनएलिजिबल है तो हमारा किया हुआ सारा काम इनएलिजिबल है। हमसे प्रैक्टिकल कॉपी साइन करवाए गए हैं, हम लोग एमएससी में टेस्ट्स लेते हैं, नंबर देते हैं, वो तुम्हारा इंटरनल मार्क्स होता है। तुम्हारा इंटरनल मार्क्स किसने दिया? जो जो कैंडिडेट जो है इनएलिजिबल है इनके हिसाब से। तो तुम भी स्टेक पर हो, इसीलिए हम लोगों ने तुमसे एक छोटा सा हेल्प मांगा है, एक फॉर्म जो है तुमको भर देना है। इसमें किसी स्टूडेंट का जो डिटेल्स है वो डिस्क्लोज नहीं होगा, हर एक गेस्ट फैकल्टी का नाम है। तुम पूरी ऑनेस्टी से जिसके बारे में जो सोचते हो वो तुम जो है इसमें, इस फॉर्म में लिखोगे, जो कुछ भी तुम सोचते हो। अगर कोई टीचर इसमें से है जैसे जो पार्ट वन में तुमको नहीं पढ़ाते, मान लो मैं तुम्हें, मैं पार्ट वन में कोई क्लास नहीं लेता प्रैक्टिकल या थियोरी, तो तुम वहां पे नॉट एप्लीकेबल लिख दोगे कि भाई इन्होंने हमें पढ़ाया नहीं, हम इनके बारे में जानते नहीं। लेकिन जिससे तुमने पढ़ा है, प्लीज बी ऑनेस्ट इन इवेल्युएटिंग एंड
प्रोवाइडिंग योर फीडबैक रिगार्डिंग दैट टीचर। यहां पे कोई कंपल्शन नहीं है कि तुम्हें हमें अच्छा ही कहना होगा। व्हाट एवर इज योर रिस्पॉन्स प्लीज फिल इट। ये हम तुमसे मदद नहीं मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा नहीं है नहीं रहे। आई एम नॉट बेगिंग बिफोर यू। तुम अपनी बात कहो, यही हम लोग सिखाना चाहते हैं। नहीं तो पढ़ लिख के वही बनोगे जो यहाँ के लोग हैं इस यूनिवर्सिटी के। उनके सामने गलत होता है, उनके सामने इनजस्टिस होता है, दे हैव नो गट्स टू स्पीक कि ये गलत है। हमें तो लगता है गलत, हमें तो बहुत दुख है। दुख होने से क्या होता है? तो तुम्हारा एक जो दो मिनट का फॉर्म है जो तुम भरोगे, जो तुम फिल करोगे, इट विल बी ए बिग कंट्रीब्यूशन टू द यूनिवर्सिटी, टू द सोसाइटी, टू द नेशन। ध्यान रखना इस चीज को। तुम जो है एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, एक समाज में एक व्यक्ति हो, एक देश के नागरिक हो, तुम्हारा ऑनेस्ट रिस्पॉन्स बहुत बड़ी ताकत है। कोई कुछ नहीं कर सकता अगर सब लोग अपना ऑनेस्ट रिस्पॉन्स दे। ऑनेस्ट रिस्पॉन्स, कोई सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस हो या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, कोई कुछ नहीं कर सकता अगर सब लोग ऑनेस्ट रिस्पॉन्स दे। ये चीज सीख लो। दिस इज ऑल्सो ए लेक्चर वीडियो। थैंक यू।